हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे हम अपने फ़ोन के कैमरे को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका है, आपको क्रोम खोल लेना है और जस्ट इस पर लिखना है आयरन वेबकैम। आयरन वेबकैम जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। तो जस्ट आपको, अगर आप जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसी सिस्टम पर आपको क्लिक करना है। मैक यूज़ करते हैं तो मैक, विंडोज़ यूज़ करते हैं विंडो, तो मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं विंडोज़ पर क्लिक करता हूँ। जस्ट डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो हम यहाँ से क्या करें, अब आपको अपने फ़ोन में भी आयरन वेबकैम डाउनलोड करना है, उसमें भी सेम यही इंटरफेस दिखेगा। अब आपने अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप में दोनों जगह ही आयरन वेबकैम डाउनलोड कर लिया है, तो अब इसको कनेक्ट करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले इसके कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि अगर आप सेम रूटर से वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं, और आप यूएसबी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यूएसबी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यूएसबी को अपने फ़ोन में क्लिक और अपने लैपटॉप से जोड़ देना है। अब जैसे ये काम कर देंगे, आप आयरन वेबकैम पे जाएंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन को यूएसबी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। जस्ट मैंने आयरन वेबकैम खोला और अपने यूएसबी को जस्ट चार्जर की तरह जैसे हम पुट करते हैं वैसे किया और जस्ट ऐसे हो गया। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब तो ये मेथड हो गया कि हम अपने फ़ोन को यूएसबी के थ्रू कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट अब आप अपने फ़ोन को अपने वाईफाई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली फिर से आपको उसी ऐप पे जाना है एंड जस्ट वाईफाई अपना ऑन कर देना है और अपने फ़ोन में भी सेम वाईफाई ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आपने वाईफाई और अपने फ़ोन को दोनों कनेक्ट कर दिया, आपको सेम वाईफाई वो मिल जा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि मैं इसको पूरा कनेक्ट कर चुका हूँ और मैं सिंपली लॉगिन भी हो चुका है। और मैं अपने इस कैमरे को कहीं पर भी रख सकता हूँ, मैं अपने पूरे घर में ले जा सकता हूँ और जहाँ कहीं जो चाहे जहाँ पर भी इसे रख सकता हूँ। तो ये था तरीका कि हम कैसे अपने फ़ोन को एज अ वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।